आज उदय हुआ पूरी जहानों तन सब पुरियों में उत्तम हुई धन धन ए मध्य जे पुरी कहावे नौतन जेहनु नाम उत्तम चौदे भवन माजिहा वाला नो विश्राम। प्रणाम। भारत भूमि को बहुरत्ना वसुंधरा कहा जाता है। इस पावन भूमि ने ऐसे गुणवान चरित्रवान और तेजस्वी प्रतिभाओं को जन्म दिया है जिनकी मिसाल विश्व में अन्यत्र मिलना असंभव है। आज हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व को जानने का समझने का आंशिक रूप से प्रयत्न कर रहे हैं जिनकी बहुमुखी प्रतिभा के सामने समग्र विश्व नतमस्तक है। भारत के इतिहास से ज्ञात होता है कि अब तक सिर्फ दो महापुरुषों को महामति विशेषण से सम्मानित किया गया है। उनमें से एक है महाभारत के पात्र महामति विदुर जो धर्मराज के अवतार थे और दूसरे हैं महामति श्री प्राणनाथ जी जो इस मृत्युलोक में कुछ अति विशिष्ट कार्य संपन्न करने के लिए परम धाम से अवतरित हुए हैं। आज हम आपको महामति श्री प्राणनाथ जी का संक्षिप्त परिचय करवाना चाह रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु कृपा ही केवलम अर्थात सद्गुरु की कृपा से ही आत्मा और परमात्मा का बोध संभव है। वस्तुतः पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने एक दिव्यात्मा महामति श्री प्राणनाथ जी की अग्नि के लिए दूसरी दिव्यात्मा ब्रह्म सृष्टि को परम धाम से पृथ्वीलोक पर भेजा। वे थे निजानंदाचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। विक्रम संवत 1638 आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी धाम धनी श्री राज जी की आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामा जी ने परम धाम की ब्रह्म आत्मा सुंदरबाई सखी के अंदर प्रविष्ट होकर श्री मतु मेहता और श्री कुंवरबाई के घर नर्तन धारण कर अवतार धारण किया। वे थे सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। अधिकतर बालकों की रुचि खेल कूद में होती है, किंतु 5 वर्ष की अवस्था से ही श्री देवचंद्र जी के अंतःकरण में आत्म साक्षात्कार की भावना जागृत होने लगी, जो 11 वर्ष की अवस्था में पहुंचते पहुंचते अति दृढ़ हो गई। मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, परमात्मा कहां है, कैसे मिलेंगे, ऐसे प्रश्नों ने बालक देवचंद्र जी को साधना के मार्ग पर अग्रसर किया। 16 वर्षीय आयु में वे घर छोड़कर परमात्मा की खोज में निकल पड़े। मार्ग में सिपाही के वेश में परमात्मा ने दर्शन भी दिए, किंतु बालक देवचंद्र जी को प्रत्यक्ष दर्शन करने थे, इसलिए इतने में संतोष न मानकर वे और आगे बढ़े। भूज कच्छ पहुंचकर हित हरिवंश संप्रदाय के महात्मा हरिदास जी की शरण में पहुंचे, उनसे दीक्षा ग्रहण की और भक्ति भाव से ओतप्रोत होते हुए कठिनतम तपश्चर्या आरंभ की। 25 वर्ष की आयु में एक दिन प्रातः ध्यान अवस्था में श्री देवचंद्र जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार हुआ। श्री कृष्ण जी ने उन्हें ध्यानावस्था में ही नवानगर जामनगर जाने की प्रेरणा दी।
एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति, अर्थात श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है जो सद्य मुक्ति प्रदान कर सकता है। श्रीमद् भागवत के इस सूत्र को मन में दृढ़ता पूर्वक बसाकर श्री देवचंद्र जी ने 14 वर्ष पर्यंत निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, अनेक कष्टों को सहा, अनेक व्यवधानों को पार किया, किंतु एक दिन भी कथा श्रवण नहीं छोड़ा। उनकी तपस्या फलीभूत हुई। एक दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए, आत्मा की पहचान करवाई, पाताल से परम धाम पर्यंत का संपूर्ण ज्ञान दिया और तारतम महामंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मात्माओं की जागनी हेतु श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की स्थापना करने का आदेश दिया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी धामधनी श्री राज जी का आदेश प्राप्त कर निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने विक्रम संवत 1687 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन जामनगर में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के आचार्य पीठ के रूप में मूल धाम श्री 5 नवतनपुरी धाम की स्थापना की और धर्म चर्चा करने लगे। अनेक भक्तजन उनके अनुयायी बने, वे सब सुंदर साथ कहलाए। धर्म के विस्तृत प्रचार और प्रसार के लिए अपने उत्तराधिकारी के रूप में निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज योग्य शिष्य की राह देखने लगे। वह योग्य शिष्य और कोई नहीं, वे थे हमारे अति प्रिय महामती श्री प्राणनाथ जी, जामनगर के दीवान श्री केशव राय जी और उनकी धर्मपत्नी श्री धनबाई के घर विक्रम संवत 1675 आश्विन कृष्ण चतुर्दशी रविवार को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति के साथ परम धाम की आत्मा इंद्रावती सखी का महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। महामती श्री प्राणनाथ जी बाल्यावस्था से ही अपनी विचक्षण प्रतिभा से सबको अचंभित किया करते थे। उनको सद्गुरु के दर्शन की तीव्र लालसा बढ़ी। बार बार आग्रह के पश्चात 12 वर्ष के श्री प्राणनाथ जी को लेकर उनके बड़े भाई गोवर्धन जी श्री 5 नवतनपुरी धाम पहुंचे, जिसकी स्थापना सद्गुरु ने कुछ दिन पूर्व ही की थी। वहां पर गुरु शिष्य का ऐसा अभूतपूर्व मिलन हुआ जिसने न केवल भारत की अपितु विश्व के इतिहास की ही मानो दशा बदल दी। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी ने जैसे ही श्री प्राणनाथ जी को बड़े भाई के साथ आते देखा, उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी सुनाई दी। परमात्मा कह रहे थे, देवचंद्र, जागनी का कार्य आगे बढ़ाने के लिए मैंने जिसकी बात की थी, ये वही ब्रह्मात्मा है, परम धाम की सखी इंद्रावती। जागनी का कार्य आगे बढ़ाने के लिए तुम चिंतित थे ना? तुम लोगों ने मुझे पत्र भी लिखे थे, देखो तुम्हारे पत्र भी ये हैं और उनका उत्तर भी। अब तुम इस बालक को शिक्षा दीक्षा देकर साधना करवाकर ऐसा योग्य बनाओ ताकि वह तुम्हारा उत्तराधिकारी बनकर धर्म की धुरा भी संभाल सके और जागनी का कार्य भी आगे बढ़ा सके। आय के चरणों लगे तब ही दाई निध,
तक्षिण हृदय मिने आय बैठ जागृत बुद्ध। श्री तारतम महामंत्र प्रदान करते ही श्री प्राणनाथ जी को जागृत बुद्धि प्राप्त होती है। स्वामी लालदास जी ने इसका उल्लेख किया है। पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, ता दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने 14 वर्ष पर्यंत अपने परम शिष्य श्री प्राणनाथ जी को धर्म के सभी आयामों का ज्ञान करवाया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, श्री श्यामा जी ब्रह्मात्माएं एवं परम धाम के गूढ़तम रहस्यों को समझाया और साधना पद्धति सिखाई। श्री प्राणनाथ जी ने भी साधना में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े भाई गोवर्धन के धाम गमन के पश्चात तीव्र साधना ने जब उन्हें कृशकाय बना दिया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन की व्याकुलता तीव्र हो गई। तब पहले ही चल बसा, अब ये दूसरा भी जाने को तैयार हो रहा है। हे सद्गुरु धनी, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। मेहराज, तुम किस लिए इतना कष्ट उठा रहे हो? तुम्हारे मन में क्या है, संकोच किए बिना बोलो। हे धाम धनी, आप मेरे अवगुणों को दिखा दीजिए, मैं उनको दूर करना चाहता हूं। तुम परम धाम की आत्मा इंद्रावती सखी हो, तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं है। हे सद्गुरु, यदि मेरे अंतःकरण में कोई विकार नहीं है तो जिस प्रकार आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, श्री श्यामा जी के दर्शन होते हैं, आप परम धाम के दर्शन कर उसका वर्णन करते हैं, आप परम धाम की आत्माओं की पहचान भी कर लेते हैं, वैसा मुझे क्यों नहीं होता है? मेहराज, परमात्मा के दर्शन कर तृप्त होने के लिए ही तुम यहां पर नहीं आए हो। पूरी दुनिया को परमात्मा की पहचान करवाकर उन्हें तृप्त करवाने के लिए धाम धनी ने तुम्हें यहां भेजा है। इसके लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है। तुम दर्शन करना चाहते हो ना? तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। धाम धनी ने अभी ये शोभा मुझे दी है। मेरे बाद जब तुम इस गादी पर बैठोगे तब तुम्हें भी इसी तरह दर्शन होने लगेंगे। मिहिराज, तुमने अभी तक सद्गुरु को पहचाना ही नहीं। सद्गुरु के अंदर ही साक्षात धामधनी विराजमान है। वे सद्गुरु के अंदर से प्रकट होकर कितनी ही बार साथ में बैठकर भोजन भी करते हैं,
तुम सद्गुरु के अंदर ही श्री राज जी के दर्शन करने का प्रयत्न करो। श्री प्राणनाथ जी महाराज का ध्यान कठोर साधना से हटाने के लिए सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने उन्हें लौकिक कार्यों में संलग्न कराने का विचार किया और हरिवंश पुराण ले आने के बहाने उन्हें अहमदाबाद भेजा। तत्पश्चात कुछ वर्षों के लिए उन्हें अरब की ओर भेजा। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वर्तमान इराक देश के बसरा शहर में गांगजी भाई के छोटे भाई खेता भाई के बिखरे हुए व्यापार को संभाला। वहां रहकर उन्होंने अरबी भाषा सीखी और कुरान तथा हदीस ग्रंथों का अध्ययन किया। महामति श्री प्राणनाथ जी सर्वप्रथम ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अरब में जाकर वहां के लोगों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं का परिचय करवाया। वे बगदाद जाकर वहां के सुल्तान से भी मिले और उनको भारतवर्ष के रहन सहन और सनातन धर्म के सिद्धांत और परंपराओं से अवगत करवाया। अति प्रसन्न हुए सुल्तान ने श्री प्राणनाथ जी को विशेष रूप से सम्मानित किया। अरब से लौटने के पश्चात कुछ लोगों के कपटपूर्ण व्यवहार के कारण वे सदगुरु के दर्शन न कर सके और उन्होंने जामनगर से 40 किलोमीटर दूर स्थित ध्रौल गांव में जाकर वहां के ठाकुर कलाजी का मंत्री पद ग्रहण किया। 2 वर्ष यों ही बीत गए। इधर सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का स्वास्थ्य नरम होने लगा। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को बुलाने का आग्रह किया। सदगुरु की आतुरता देखकर बालबाई श्री प्राणनाथ जी को बुलाने के लिए ध्रोल पहुंची। श्री प्राणनाथ जी भी सदगुरु को मिलने के लिए आतुर थे। सदगुरु का बुलावा सुनते ही सारा कार्यभार कलाजी ठाकुर को सौंपकर वे सदगुरु के चरणों में उपस्थित हो गए। राज की तरह एक कौन प्रणाम कर रहा है? सदगुरु महाराज, ये मिहिरराज आपके चरणों में आ गया है। इधर आओ मेरे पास, बैठो बैठो मिहिरराज। मैं कई दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम आ गए, बड़ा बड़ा अच्छा हुआ। माया के सभी कार्यों से निवृत्त होकर आए हो या फिर लौट कर जाना है? ये धाम दरी, मैं सभी लौकिक कार्यों से निवृत्त होकर आपके चरणों में आ गया। अब मुझे कहीं नहीं जाना। ये तो बहुत उत्तम हो गया। सुनो, मेरा शरीर शिथिल हो गया है। अब धर्म का संपूर्ण दायित्व तुम्हें संभालना। देश देशांतर में विचरण कर छागनी का कार्य करो। परम धाम की आत्माएं अनेक स्थानों में आई है, उनमें भी शाकुंडल और सकुमार तो बड़े घराने में। उन सबको जागृत कर
चागनी रास खेलकर परम धाम में जागृत होता है। तुम ज्ञान, भक्ति और साधना सभी में निपुण हो गए हो। तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। अब तुम महामति कहलाओगे। महामति। विक्रम संवत 1712 भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन श्री प्राणनाथ जी सदगुरु के चरणों में लौटे। उन्हें धर्म के सिद्धांत, साधना आदि का उपदेश देकर भाद्र शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी के पावन अवसर पर निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने विधि पूर्वक अपना उत्तराधिकारी बनाया और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का दायित्व सौंपते हुए महामती की उपाधि दी। तब से वे महामती श्री प्राणनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामती श्री प्राणनाथ जी को धर्मधुरा सौंपते हुए सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने उन्हें 22 दिन तक उपदेश दिया, परम धाम के गुढ़ातिगुढ़ रहस्यों को सरलता से समझाया, शास्त्रों एवं साधना का सार समझाया। विक्रम संवत 1712 भाद्र शुक्ला चतुर्दशी को मध्य रात्रि के उपरांत उन्होंने अपनी ऐहिक लीलाओं का संवरण किया एवं सूक्ष्म रूप से महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान हुए। महामती भी सदगुरु के मार्गदर्शन अनुरूप कार्य करने लगे। सुदूर अथवा पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में फैले हुए सुंदर साथ को एकत्रित कर सदगुरु का भंडारा करने के ध्येय से महामती ने जाम दरबार में दीवानगिरी का काम आरंभ किया, किंतु किसी की झूठी शिकायत पर उनको एक वर्ष पर्यंत राज दरबार में रुकना पड़ा। राज दरबार में रहते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी को दिन प्रतिदिन अपने सदगुरु का विरह सताने लगा। मैं तो अच्छा कार्य करने जा रहा था, सदगुरु के नाम भंडारा करने का शुभ संकल्प वैसे ही छिन्न भिन्न हो गया। मुझे व्यर्थ में राज दरबार में रुकना पड़ रहा है। हे सदगुरु, हे दाम धनी। विरह व्याकुल श्री प्राणनाथ जी निरंतर सदगुरु का चिंतन कर रहे थे। उन्हें अनुभव हुआ कि सदगुरु उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी समय उन्हें श्री श्यामा जी, श्री राज जी, श्री कृष्ण जी एवं ब्रह्मात्माओं के दर्शन हुए। पूरा वृंदावन तथा वहां पर हो रही रासलीला के दर्शन हुए। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूं घणवे करीने सने। जैसे जैसे दर्शन होते गए वैसे वैसे वे उसका पद्य में वर्णन करने लगे। इस प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा ब्रह्मवाणी का अवतरण होने लगा, जो आज श्री तारतम सागर महाग्रंथ के रूप में संकलित है। 18,758 चौपाइयों में संकलित इस महाग्रंथ को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वांग्मय स्वरूप मानकर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है और पाठ पारायण, मनन चिंतन एवं अध्ययन किया जाता है। धर्म का दायित्व संभालने के पश्चात
महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जाम नरेश के दरबार में 10 वर्ष पर्यंत दीवान के पद में रहकर कार्य किया। जूनागढ़ के पास नया नगर नवागढ़ बसाने का दायित्व भी उन्होंने कुशलतापूर्वक निभाया। उन दिनों दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्रूर धर्मान औरंगजेब बादशाह बना। उसका असर गुजरात में भी पड़ा। अहमदाबाद का सूबेदार कुतुब खान जाम नरेश को भी अधिक कर चुकाने के लिए विवश करने लगा। जाम नरेश के कहने पर श्री प्राणनाथ जी समझौते के लिए अहमदाबाद गए, किंतु वहां पर उनको धोखे से कैद कर लिया और जामनगर पर आक्रमण कर मुगलों ने अपना कब्जा जमाया, जो 9 वर्ष पर्यंत रहा। लगभग 1 वर्ष पर्यंत श्री प्राणनाथ जी को मुगलों की कैद में रहना पड़ा। उस समय उन्हें सदगुरु को दिए गए वचन स्पष्ट हुए और उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं माया के कोई भी कार्य नहीं करूंगा, मात्र धर्म कार्य ही करूंगा। जूनागढ़ निवासी कांजीबाई की चतुराई से कैद से छूटकर वे जामनगर आए और श्री 5 नवतनपुरी धाम की व्यवस्था मिलाकर वहां से रातों रात दीव चले गए। दीव में पोर्टुगीज शासन था। उन दिनों अरब के लोग भारत के समुद्र किनार के नगरों में लूटपाट करते थे और लोगों का अपहरण कर फिरौती में बड़ी धनराशि मांगते थे। इसी घटनाक्रम में महारानी बाईजी राज सहित अनेक सुंदर साथ का भी अपहरण हुआ। तब महामति ने प्रभास पाटन, नवी बंदर, पोरबंदर, मांडवी, नलिया, भूज, मस्कत, ईरान के बंदर अब्बास आदि की यात्रा की और वहां के लोगों को समझाया कि यदि स्थानीय लोग सहयोग नहीं करेंगे तो बाहरी लोग आकर किसी भी प्रकार की लूटपाट या अपहरण नहीं कर सकेंगे। 4 वर्ष पर्यंत इन स्थानों में जा जाकर महामति ने अपराध विरुद्ध जागृति अभियान चलाते हुए धर्म का प्रचार प्रसार किया। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों का संगठन बना और उन क्षेत्रों में अपराध बंद हो गए। महारानी बाईजी राज सहित अन्य सुंदर साथ को छुड़ाकर वे विभिन्न स्थान होते हुए सूरत पधारे। सूरत में धर्म प्रचार प्रसार बढ़ने लगा था। उसी समय महामति श्री प्राणनाथ जी का हृदय ये समाचार सुनकर अतीव विदीर्ण हुआ कि मुगलों ने बर्बरता की सारी सीमाओं को पार करते हुए सिख धर्मगुरु तेग बहादुर सिंह जी का बलिदान ले लिया है। मुगलों को उनके ही धर्म ग्रंथ कुरान हदीस आदि के द्वारा समझाकर इन अत्याचारों को रोकने का मंगल संकल्प कर वे सूरत से अहमदाबाद, सिद्धपुर, मेरता, आगरा, मथुरा, वृंदावन होते हुए दिल्ली पहुंचे। मेरता में एक विस्मयकारी घटना घटी। एक दिन टहलते हुए श्री प्राणनाथ जी ने किसी मस्जिद के निकट मुल्ला की बांग सुनी। कलमे के एक एक शब्द पर ध्यान देने से ज्ञात हुआ कि उन वचनों में और गीता के वचनों में साम्यता है, जिससे हिंदू धर्म ग्रंथ और इस्लामिक ग्रंथों में निहित तात्विक एकता के आधार पर औरंगजेब को समझाया जा सकता है। ऐसा निश्चय कर दिल्ली में औरंगजेब से मिलने की योजना बनाने लगे। इतने में ही ज्ञात हुआ कि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन है। तब वे अपनी शिष्य मंडली के साथ विक्रम संवत 1735 के चैत्र मास में हरिद्वार पहुंचे। महाकुंभ में पहुंचकर महामति श्री प्राणनाथ जी ने विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों, संतों एवं विद्वानों की धर्म सभा बुलाई। सब लोग ब्रह्म चबूतरा में एकत्रित हुए। सभी ने अपने अपने मत एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए। अंत में महामति श्री प्राणनाथ जी ने सभी को संबोधन किया। आप सभी आचार्यों को मेरा प्रणाम। देश कैसी विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, वह आपसे अनभिज्ञ नहीं है। ऐसे में यदि हम
अपने मत को ऊंचा और दूसरे के मत को नीचा कहते रहेंगे तो सनातन हिंदू धर्म का अस्तित्व क्षीण होता जाएगा। पूरे देश में मुगलों का आधिपत्य हो गया है, कोई क्षत्रिय राजा उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रहे। अब समय आ गया है कि हम सभी धर्माचार्य एकजुट हो जाए, संप्रदायों के भेदभाव एवं इष्टों की विविधता से ऊपर उठे, एक ही परमात्मा की शक्ति देश काल और परिस्थिति के अनुरूप भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न नाम से जगत में आई है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि नाम रूप का भेद लौकिक है, पर फिर भी उसे व्यवहार में लाकर वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ नहीं कर रहे हैं। धर्म के सिद्धांत केवल व्याख्यान के लिए नहीं, अभी तो जीवन में उतारने के लिए है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि हमारा लक्ष्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। हमारे ईष्ट अवतार तीर्थंकर या पैगंबर में से कोई भी क्यों ना हो, है तो सभी एक ही परमात्मा की शक्तियां। यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो फिर हमें एक होने में कौन रोक रहा है। इसलिए बाह्य आडंबर को छोड़ दे और एकजुट हो जाए, अन्यथा न धर्म रहेगा न हम रहेंगे। जो बात कहने के लिए यह धर्म सभा बुलाई है वो मैंने कह दी है, इसे स्वीकारना न स्वीकारना अथवा अन्यथा समझना ये सब आपके ऊपर है। प्रणाम। महामती श्री प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी सुनकर उपस्थित धर्माचार्यों ने एक स्वर में कहा, आपकी बुद्धि आपके विचार सर्वथा कलंक रहित हैं, आपने हम सबको एक सूत्र में जोड़कर परमात्मा का कार्य किया है, इसलिए हम आपको विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार मानते हैं। श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी की आरती, रे मगन होए उतारती, सरिया पपिया परवारती, कैले नौ खंड आरती। विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक की, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक की। तभी से बुद्ध जी शाखा आरंभ हुई जो संप्रदाय में आज भी प्रचलित है। विभिन्न संप्रदाय एवं मत के आचार्यों को एक मंच पर लाकर विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध महामती श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार से अनूप शहर होते हुए पुनः दिल्ली पधारे। 12 शिष्यों को तैयार कर बादशाह औरंगजेब के पास भेजा। उन शिष्यों ने जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर महामती के पदों का गायन किया। इन मार्मिक चौपाइयों को सुनकर मस्जिद का इमाम उन शिष्यों को लेकर बादशाह औरंगजेब के पास चला जाता है। आलम पनाहा, ये लोग आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं और आपको पैगाम सुनाना चाहते हैं। कौन सा पैगाम, किसका पैगाम लेके आए हो? बादशाह सलामत, हम लोग एक फकीर का संदेशा लेकर आए हैं। लेकिन उस पैगाम के पीछे आप लोगों का मकसद क्या है? आप लोग मुझसे मिलने की ख्वाहिश क्यों रखते हैं? हुजूर, हम आपसे रूबरू मिलकर धर्म की चर्चा करना चाहते हैं। आपसे मिलकर मजहब की गुफ्तगू करने की हमारी फकीर की ख्वाहिश है। औरंगजेब को मिलाने की बजाय जब दरबारियों ने उन 12 शिष्यों को कैद कर लिया, तब आहत हुए श्री प्राणनाथ जी ने औरंगजेब को बड़े चोटीले शब्दों में फटकार लगाते हुए पत्र लिखा कि सत्य धर्म के प्रति समर्पित रहमदिल फकीरों पर अत्याचार कतई उचित नहीं है, और इसीलिए हके इलाही को पहचानो और फकीरों को सम्मान सहित विदा करो। महामती श्री प्राणनाथ जी का खत आते ही औरंगजेब ने
ना केवल उन 12 शिष्यों को ससम्मान रिहा किया, अपितु उसने स्वयं भी श्री प्राणनाथ जी को खत लिखकर उनसे मिलने की ख्वाहिश बताई। परंतु उसने एक गुजारिश करते हुए लिखा कि इस मुलाकात को गुप्त रखा जाए। कुछ एक इतिहासकार इस मुलाकात का समर्थन नहीं करते, परंतु जग प्रसिद्ध इतिहासविद सर जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस मुलाकात का जिक्र करते हुए औरंगजेब के पत्र का स्पष्ट उल्लेख किया है, जिसमें औरंगजेब शहजादे से कहता है कि नूरे खुदा मेरे घर आया, मगर मैं उसे पहचान नहीं पाया। औरंगजेब की शर्त के मुताबिक मुलाकात एकांत स्थान पर हुई। औरंगजेब अकेला ही फकीर शेख कलंदर के तकिए से निकलकर अपने शिष्यों के साथ विराजमान महामती श्री प्राणनाथ जी के पास पहुंचा। हमने आपका खत पाते ही आपके मुरीदों को बाइज्जत रिहा कर दिया। अब बताइए कि आप हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, जैसा कि आपके मुरीदों ने हमें बताया था। शहनशाह, मैंने तो सुना है कि आप माशाअल्लाह मजहब परस्त इंसान हैं। क्या आपका मजहब आपको ये नहीं सिखाता कि दुनिया के सारे इंसान एक ही खुदा के बंदे हैं? सबका मालिक जब एक ही है, तो फिर आप गैर मजहब वालों को काफिर कहकर अत्याचार कैसे गुजार सकते हैं? आप जिसे खुदा कहते हैं, हम उसे परमात्मा कहते हैं। कोई उसे किसी और नाम से पुकारता है, लेकिन परम शक्ति तो एक ही है ना। जो कुरान कहता है वही सत्य वेद भी कहते हैं, तो फिर ये हिंसा क्यों, ये नफरत क्यों? मुसलमानों के लिए अलग कानून और हिंदुओं के लिए जजिया वेरा जैसे अलग कानून, ये तो खुदा की नज़रों में सरासर नाइंसाफी है। आप तो मुगले आज़म हैं, हिंदुस्तान के शहनशाह हैं, आपके लिए तो सभी रैयत बराबर होनी चाहिए। इस मजहबी जुनून को, इस बर्बरता को आप रोकिए, वरना खुदा आपको कभी मुआफ़ नहीं करेगा। कयामत के दिन आपको गुनहगार ठहरा कर आपसे जवाब तलब किया जाए। ए नूरे खुदा हजरत, आपने जो कुछ कहा वो सब सही है, लेकिन मैं सियासत के कारण मजहब के रहनुमाओं के खिलाफ और दरबारियों से ऊपर उठकर बहुत बड़ा फैसला नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन आपके खातिर कुछ राहत ज़रूर करूँगा, इसलिए आप मुझे मुआफ़ी बख्शे, यही मेरी आपसे गुजारिश है। धर्म के ठेकेदारों के आगे बेबस धर्मान बादशाह औरंगजेब की मूर्ता को देखकर महामती श्री प्राणनाथ जी ने मुगलों के साथ लोहा लेने के लिए शक्तिशाली क्षत्रिय राजाओं की खोज प्रारंभ की, और यही खोज उन्हें आमेर से संगानेर उदयपुर होते हुए विक्रम संवत 1740 में बुंदेलखंड में पन्ना नगरी तक ले आई, जहां बह रही किलकिला नदी का विषैला जल श्री प्राणनाथ जी का चरणोदक पाकर अमृत तुल्य हो गया। पन्ना के निकट मऊ सैनिया के तिदुनी दरवाजे पर राजा छत्रसाल से महामती श्री प्राणनाथ जी की प्रथम भेंट हुई। बाबा जो, राम राम। राम राम बाबा, आइए पास में बैठिए। थोड़ा और आगे आइए बाबा। अरे
अब तो आप हमारे फंदे में आ गए हो, फिर संकोच किस बात का कर रहे हो? बाबा, एक बुद्ध जी के सिवा मुझे अपने फंदे में डालने वाला आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। बुद्ध जी का कोई प्रमाण है आपके पास? अवश्य प्रमाण है, उनका ये सिक्का। अच्छा, कुछ सिक्के तो यहां भी है। जरा देखना तो, उनमें से कोई सिक्का आपके सिक्के जैसा तो नहीं है ना? बुद्ध जी, अब मैं पूर्ण रूप से आपके शरण में आ गया हूं, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। सद्गुरु, अब आपके मार्गदर्शन में ही मैं सभी कार्य करूंगा। मेरा लक्ष्य है मुगलों को हराकर देश को स्वाधीन करना। हमारा लक्ष्य भी यही है छत्र साहब, मुगलों का सामना करने के लिए मैंने अनेक क्षत्रिय राजाओं से भेंट की, किंतु किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं आपका साहस देख। पराक्रम करो, हमारे आशीर्वाद विजय श्री के रूप में सदैव आपके साथ है। महामति श्री प्राणनाथ जी के शुभाशीष पाकर दूसरे ही दिन छत्रसाल जी ने मुगल सरदार शेर अफगन पर महाशेर बनकर धावा बोल दिया और उसे ढेर कर दिया। तत्पश्चात पन्ना पहुंचकर छत्रसाल जी ने स्वयं पालखी उठाते पावड़ा बिछाकर महामति श्री प्राणनाथ जी को अपने महल में पधराया और श्री प्राणनाथ जी ने राज तिलक करके छत्रसाल जी को महाराजा घोषित कर दिया। आज से आप बुंदेलखंड के नरेश महाराजा छत्रसाल है। अब आप अपनी विजय पताका चारों ओर लहराते हुए मुगलों को परास्त करें। हे सद्गुरु, आपने मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंपा है, किंतु धन के अभाव में मैं इस कार्य को पूर्ण कैसे कर पाऊंगा? छत्ता तेरे राज में धिक धिक धरती हो, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित फत्ते हो।
महामति श्री प्राणनाथ जी का वरदान और आदेश पाकर महाराजा छत्रसाल ने पन्ना में जितने क्षेत्र तक अपना घोड़ा दौड़ाया, उस भूमि से हीरे निकले, जिससे उन्होंने अपने सैन्य बल के लिए पैदा हुई आर्थिक समस्या को दूर कर दिया। महामति श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद का प्रभाव आज भी पन्ना में दिखाई देता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण, काम धनी श्री राजजी और श्यामा जी की इच्छा है कि यहाँ पर धर्मपीठ की स्थापना हो, जो श्री पांच पद्मावती पुरी धाम के नाम से विख्यात होगा। इसलिए छत्रसाल जी यहाँ पर झंडा स्थापित करें। सद्गुरु, पन्ना मध्य प्रदेश में महामति श्री प्राणनाथ जी ने धर्मपीठ श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की स्थापना की। निजानंदाचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने उन्हें धर्म का जो दायित्व सौंपा था, उसे परिपूर्ण रूप से निभाते हुए महामति श्री प्राणनाथ जी ने उसे एक सर्वोत्तम ऊंचाई प्रदान की। महिला सशक्तिकरण की बातें और प्रक्रियाएं तो कुछ सालों से अमली हुई है, परंतु सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति तो सदा सर्वदा से न केवल नारी को समान अधिकार देती आई है, अपितु शक्ति स्वरूपा मानकर उसकी पूजा भी करती आ रही है। इसका सटीक प्रमाण महामति श्री प्राणनाथ जी ने दिया। साध्वी केसरबाई जूनागढ़ गुजरात की रहने वाली थी। वह अपने शिष्यों के साथ तीर्थयात्रा करती हुई जामनगर पहुंचकर नवतनपुरी धाम में रुकी। वहां पर उनको ध्यान में क्रमशः व्रजलीला, रासलीला एवं जागनी लीला में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज एवं महामति श्री प्राणनाथ जी के दर्शन हुए। उनकी साधना और आत्मा की पवित्रता को परखकर महामति श्री प्राणनाथ जी ने विक्रम संवत 1746 में दीक्षा देकर उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया एवं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के तृतीय आचार्य नियुक्त कर आचार्य पीठ श्री पांच नवतनपुरी धाम जामनगर भेजा। महाराजा छत्रसाल जी ने बुंदेला सैनिकों और सिपाहियों को साथ भेजकर नवतनपुरी भेजने का प्रबंध किया। आज भी वो बुंदेल जामनगर में पूर्वी राजपूत कहलाते हैं। आचार्य केसरबाई ने विक्रम संवत 1746 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन से श्री पांच नवतनपुरी धाम का कार्यभार संभाला। आज पर्यंत कुल 14 आचार्य हुए हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजानंदाचार्य संप्रदाय के आचार्य के रूप में धर्म प्रचार प्रसार का कार्य सन्निष्ठ रूप से किया। विश्व भर में 50,000 से भी अधिक गांव एवं शहरों में 1 करोड़ से भी अधिक संख्या में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी सुंदर साथ बसे हुए हैं। 800 से अधिक श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, सेवा केंद्र, शिक्षा केंद्र, आरोग्य केंद्र अहर्निश सेवारत हैं। राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे महामति श्री प्राणनाथ जी ने एक नवीन सीमा चिन्ह न दिया हो। बहुमुखी प्रतिभा के धनी महामति श्री प्राणनाथ जी पूर्ण रूप से निवृत्त होकर विक्रम संवत 1748 से अंतर्मुख हो गए और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी
एवं परम धाम के चिंतन में निमग्न रहने लगे। विक्रम संवत 1751 में श्रावण कृष्ण तृतीया रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात चतुर्थी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में महामति श्री प्राणनाथ जी ने अपनी इह लीला का संवरण किया। कहने को तो श्री प्राणनाथ जी नहीं रहे, परंतु सूक्ष्म रूप से आज भी वे ना ही केवल सुंदर साथ के प्राणों के नाथ बने हुए हैं, अपितु संसार के उन तमाम जीवों के प्राणनाथ है जो शाश्वत सुख की कामना में अनंत काल से प्रयत्नशील है। क्योंकि महामति श्री प्राणनाथ जी ने एक अमर सूत्र दिया, सुख शीतल करूं संसार, और यथार्थ रूप में उसे चरितार्थ भी किया। प्रणाम। सुख शीतल करूं संसार। महामति श्री प्राणनाथ जी के प्राकट्य के 400 वर्ष पूर्ण होने पर अभी अभी श्री पांच नवतनपुरी धाम में श्री प्राणनाथ जी चतुर्थ शताब्दी का भव्य महोत्सव संपन्न हुआ। यह पूरा वर्ष श्री प्राणनाथ जी चतुर्थ शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अनेक सुंदर साधकों और जो लोग श्री प्राणनाथ जी से परिचित नहीं हैं उनको भी श्री प्राणनाथ जी के प्रदान से अवगत करवाने के लिए यह कथानक तैयार किया गया है। आशा है नई पीढ़ी बच्चों से लेकर के युवा पर्यंत सभी इसके माध्यम से श्री प्राणनाथ जी को जान सकें, उनको पहचान सकें और उनके प्रदान को समझ सकें, उनके द्वारा वे अपने अपने जीवन को मार्गदर्शित कर सकें। इस आशय से यह कार्य किया गया है। आशा है कि इसमें सफलता मिलेगी और अनेक लोगों को यह अवश्य रुचिकर लगने लगेगा। प्रणाम।